उन्नाव में भी इस दिन ज्योति मोहरत जैसी घटना सामने आई है जो चर्चा का केंद्र बन गई है। शादी के बाद पढ़ने की इच्छा जताने पर पति ने 6 साल तक हड़तुड़ मेहनत मजदूरी व कर्ज लेकर पत्नी को सिपाही बनाया और बेवफा पत्नी बिना तलाक दूसरे शख्स से शादी कर रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। उन्नाव के बोनीखेड़ा गांव के रहने वाले विजयपाल सिंह ने 2010 में माखी थाना क्षेत्र के बेलसी गांव के रहने वाली छाया सिंह से रीति रिवाज से शादी की थी। छाया सिंह का सपना सरकारी नौकरी का था, जिस सपने को पूरा करने के लिए पति विजयपाल सिंह ने परिवार के विरोध के बावजूद पत्नी को पुलिस भर्ती की पढ़ाई शुरू कराई। बेहतर पढ़ाई के लिए शहर में कोचिंग लगवाई। अफसर बनने के लिए विजयपाल ने मेहनत मजदूरी कर एक एक पाई जोड़कर पढ़ाई कराई। सफल होने के बाद 2016 में महिला आरक्षी पद पर नियुक्त हो गई। पति ने ट्रेनिंग के दौरान कोई दिक्कत ना हो इसके लिए 50,000 रुपये का कर्ज लेकर पत्नी को दिए, लेकिन पुलिस की वर्दी पहनने के बाद पत्नी ने दूरी बना ली। साथ ही रहने की बात पर आए दिन विवाद करती थी। विजयपाल ने SP उन्नाव को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। SP उन्नाव ने COCD को जांच के आदेश दिए हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर पत्नी से पीड़ित विजयपाल सिंह का क्या कुछ कहना है। विजयपाल सिंह, विजयपाल क्या मामला हुआ है, किस मामले को लेकर आज कप्तान ऑफिस आए हैं? हमारी औरत है तो वो पुलिस में है, तो वो जो है ना उसके लिए यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं इधर आया। तो वहाँ पे जो है कोर्ट में भी हमारे ऊपर कर दिया था, कई कोर्ट में केसेस कर दिया था, उसमें भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मेरा फायर वायल सब बंद करवा दिया। जब वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा फिर दूसरी कोर्ट में आए। कब आपकी शादी हुई थी? 2010 में। उस टाइम कितनी पढ़ी थी, क्या हुआ? इंटर पास थी। आगे की पढ़ाई कैसे करी? हमने करवाई, हमने इसको बाद में पढ़वाया, 3 साल तक स्कूल में गए। उसके बाद में कोचिंग करवाई, फार्म वारम डाला, उसको भी हम लेके जाते रहे, जहाँ पे वो होता रहा उसको मैं कराते पूरा करके आए। फिर इधर जो है जब नौकरी मिल गई उसके बाद में हमको जो है कोई हमको एलू नहीं समझा मेरी। कब नौकरी लगी थी? 2016 में। 16 के बाद क्या घटना घटी तुम्हारे साथ? घटना ये घटी कि वो बोले हम वो 3 साल के लिए बोले हमको 3 साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी। हमको बहाना चुतियाँ बनाती रहेगी, हमको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो 3 साल तक छुट्टी बोलती है हमको, रोज महीने 2 महीने में छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी जल्दी, तो हमका कोई बात नहीं है। तो उसके बाद में जब छुट्टी में हम बोले अभी 3 साल हो गए अभी छुट्टी तुमको नहीं मिलती, उसके बाद में हमको जो है मुकदमा डाल दिया हमारे ऊपर, उनके पिताजी माता ने करके हमारे ऊपर मुकदमा डलवा दिया। आज क्या स्थिति है? आज हाँ, वो क्या कर रही है? वो भी ड्यूटी पे है, पुलिस में है। अब हमको वहाँ पे जब कोई फोन वो नहीं करने देती है, करते हैं तो फिर गुस्साती है बहुत। क्या जो है एंगेजमेंट भी कर ली है? हाँ एंगेजमेंट कर लिया है, शादी करने का पूरा विचार हो चुका उसका। आगे की क्या रणनीति है तुम्हारी, किस तरीके से क्या करोगे? अब यही करना है उसको, वो आएगी तो ठीक है, नहीं आ रही है तो उसको कुछ तो होना चाहिए ना उसके लिए। अभी भी प्रशासन से गुहार कर रहे हो कि वो तुम्हारी पत्नी तुमको वापस दिलाए? हाँ बिल्कुल, हम यही चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हो? कि पत्नी मेरी आ जाए तो अच्छी बात है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर COCD आशुतोष कुमार का क्या कुछ कहना है। थाना अचलगंज क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर के बताया गया कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी पत्नी जॉब में नहीं थी, उन्होंने जो है उनको पढ़ाया और आज वो जॉब में है और उनके द्वारा बिना उनको बताए किसी शादी कर रही हैं और न्यायालय में उनके लिए अलगाव के लिए उन्होंने वहाँ पर वादिता कर दिया। उनका कहना है कि अभी चूँकि न्यायालय से मामला नियमित नहीं हुआ है, इस बीच वो शादी कर रही हैं, इस संबंध में जाँच कराया जा रहा है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये थी उन्नाव से हमारे संवाददाता अजय शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरीके की और जानकारी के लिए बने रहे टुडे जुनून के साथ। नमस्कार।